गाइस स्वागत है आप सबका हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। और गाइस आज की वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है अपना हेलो एप्लीकेशन में अपना खुद का ग्रुप कैसे बना सकोगे। गाइस इधर पर बहुत कमेंट आ रही थी कि लोग बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार खुद का ग्रुप कैसे बनाएं। तो यार एक बात बता दूं कि यार ये कोई ग्रुप नहीं रहता है, इधर पर आप लोगों का एक हैशटैग रहता है हेलो एप्लीकेशन में, जहां पर आप लोग अपना खुद का एक हैशटैग बना के बहुत से आप लोग ज्वाइन करवा सकते हैं बहुत से लोगों को। तो यार ये सब चीज़ आप लोग किस तरह से बना सकते हो तो आज की वीडियो पर मैं यही सब बताने वाला हूँ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। और आप लोग इधर पर इस ग्रुप में किस तरह से आप लोग अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवा सकते हो, किस तरह से आप लोग लिंक शेयर कर सकते हो, तो वो सब चीज़ के मैं आपको इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो है हेलो एप्लीकेशन में किस तरह से अपना हैशटैग बना सकते हो। गाइस इधर पर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि वो है हेलो एप्लीकेशन में ग्रुप है, तो हाँ भाई वो ग्रुप भी आप लोग उसको कह सकते हो। और उसके साथ साथ वो आपको बता दूँ तो यार उसको ग्रुप भी बोल सकते हो और एक प्रकार से हैशटैग भी बोल सकते हो, क्योंकि इधर पर ग्रुप टाइप का आ जाता है, आपने कितने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं इस तरह से आ जाता है। तो इधर पर तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना खुद का हैशटैग एंड ग्रुप किस तरह से बना सकते हो और उन लोगों को ज्वाइन कैसे करवाना है। तो देखो यार आपके सामने एक प्लस वाला आइकन आने वाला है, उस प्लस वाले आइकन पर आप लोग जो है क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप लोग क्लिक कर दोगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है दिल की बात और एल्बम की, तो इधर पर और वीडियो की। तो इधर पर यार जो है अपन जो है एल्बम पर क्लिक करके कुछ एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, वो सब मैं आपको बताने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ हैशटैग किस तरह से बनाना है। उसके बाद इस तरह से कर देना है आपको। इस तरह से करने के बाद देखो यार आप लोगों को अब जो भी हैशटैग बनाना है, मतलब कि अपना जो है ग्रुप बनाना है, आप लोगों को जो अपना ग्रुप बनाना है तो आप लोग इस तरह से देखो यार आपके सामने एक नीचे की तरफ एक हैशटैग का ऑप्शन आ रहा होगा, हैशटैग का आपको इधर पर हैशटैग जोड़ो या बना पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इधर पर क्लिक कर देना आप लोगों को। अब देखो यार आप लोग जो है हैशटैग आपको किसके नाम से बनाना है, अपने नाम से बनाना है, आपके आईडी के नाम से बनाना है, आपकी आईडी किस नाम से, उस नाम से बनाना है, जिस भी नाम से आपको अपना हैशटैग बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आप लोगों ने देखो यार आप लोगों ने क्या किया, हैशटैग बना पर क्लिक कर देना आपको। क्लिक कर देने के बाद अब आपको जिस भी नाम से बनाना आपको सर्च कर देना है। जैसे कि गाइस मैं इधर पर बना लेता हूँ भी के स्पेशल नाम से, ठीक है, भी के स्पेशल नाम से मैं अपना एक हैशटैग बना लेता हूँ, भी के स्पेशल मैंने लिख दिया। उस तरह से देखो यार इधर पर एक हैशटैग बन के आ गया है, तो इधर पर जो है हैशटैग बन के आ गया है, तो देखो वी के स्पेशल नाम से एक हैशटैग बन के आ गया। और पोस्ट पर क्लिक कर दो, पोस्ट पर क्लिक कर दी तो गाइस जो है आपकी पोस्ट बन जाती है अपलोड होने के बाद। तो देखो यार आपका ऊपर की तरफ एक हैशटैग बन जाता है, इधर पर आप लोग का एक हैशटैग बन जाता है जो आपका एक ग्रुप ही कहलाता है। तो इधर पर आपको मी वाले ऑप्शन पर आ जाना है, मतलब कि एक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इधर पर आने के बाद देखो यार आपके सामने एक इंटरफेस आएगा ग्रुप का, जहां पर आपका ग्रुप रहेगा, जो आपका ग्रुप आपने बनाया हुआ है, ग्रुप पर आप लोगों को जो है क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका जो ग्रुप है वो आ जाएगा, जहाँ पर अपन ने जो है वी के स्पेशल नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप पर अपन जो है क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग जो है क्लिक कर दोगे तो आपका जो है ग्रुप आ जाता है, जहाँ पर देख सकते हो जो अपना ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पर अभी अभी अपन ने जो ग्रुप बनाया था, जहाँ पर देखो यार अपने ग्रुप में एक मेंबर भी ज्वाइन हो गया है, जैसे कि अपन ही वो ज्वाइन हुए हैं, वही अपना एक मेंबर बना बता रहा है। उसके बाद देखो यार 16 व्यूवर आ गए हैं, 16 व्यू आ गए हैं अपने ग्रुप में, उधर पर जो है अपना ग्रुप में व्यू भी आ गए हैं। तो इधर पर मैं आपको बात बता दूँ कि आप लोग के कि ग्रुप में देखो यार एक प्लस वाला आइकन आ रहा है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कोई भी कोई और दूसरा बंदा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपके ग्रुप में जो है फ़ोटो डालेगा, तो आप लोगों को जो है व्यूअर भी बताएगा और जो मेंबर आ जाएगा, तो इधर पर आप लोगों को जो है मेंबर बता जाएगा।
तो इधर पर जैसे कोई भी बंदा आपके ग्रुप में ज्वाइन होता है, हैशटैग में ज्वाइन होता है, तो इधर पर मेंबर बता जाएगा जहाँ पर अभी एक मेंबर है, और जैसे उसकी पोस्ट पर व्यू आते हैं ज़्यादा, जो आपके हैशटैग लगा के अपलोड करता है, तो मतलब कि आपके प्लस वाले आइकन पर जाके अपलोड करता है आपका हैशटैग लगा के, तो इधर पर आपके व्यू बताएंगे, उसके जितने व्यू होगा टोटल आपके अकाउंट में व्यू बताएंगे, जहाँ पर अभी 16 टोटल व्यू हैं, जैसे टोटल उसके व्यू जितने आते हैं आपके अकाउंट में बताएंगे। तो वो किस तरह से बताएंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, और आपने किसी को ज्वाइन करवाया, कोई बंदा है वो ज्वाइन हो गया आपके ग्रुप में, ज्वाइन होने के बाद उसके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर वो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेगा और कहीं की भी एक पोस्ट है वो अपलोड कर देगा, अपलोड कर देगा तो जो है जितने भी व्यू आएंगे वो आपके आपके पास आएंगे, आपको पता चल जाएगा आपके व्यू कितने आ गए उसकी पोस्ट पर, इधर पर जैसे कि टोटल व्यू आपको पता चल जाएगा, आपके टोटल व्यू इधर पर बढ़ते जाएंगे, और अगर मेंबर भी आपका वो ज्वाइन हुआ होगा तो उधर पर आप लोग जाके देख सकते हो जो मेंबर आपका ज्वाइन हो गया है। तो यार इस तरह से जो है आप लोग ज्वाइन करवा सकते हो। अगर आप लोग किसी को अपना ग्रुप की लिंक शेयर करना चाहते हो, इधर पर देखो ऊपर की तरफ एक शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, इस वाले शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोग जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर जिस पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, और अदर पे आप लोग जैसे कि इधर पर बता दूँ आप लोग लिंक को शेयर करने के लिए कॉफ़ी भी कर सकते हो। तो इधर पर जैसे कि मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करके किसी को भी शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पर जैसे ही मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखो यार मैं किसी भी एक फ्रेंड को जो है शेयर कर दे रहा हूँ, शेयर कर देता हूँ इस तरह से। तो जैसे कि वो क्लिक करेगा तो क्लिक कर देगा जैसे कि वो, तो इधर पर डायरेक्टली इस ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप में आ जाने के बाद वो इधर पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, देखो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है इधर पर, वो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना खुद का ग्रुप एंड हैशटैग बना सकते हो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।